Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. बंदनगर तहसील के बंटपंचलाना थाना क्षेत्र के पिछले दिनों हुई जेसीबी चालक की मौत के संबंध में अखिल भारतीय श्री वलाई महासंघ के पदाधिकारियों ने उज्जैन पुलिस अधीक्षक के नाम पर ज्ञापन सौंपा। समाजजनों को अनुसार मृतक की हत्या को दुर्घटना में बदलने का प्रयास किया जा रहा है। परिजनों ने जेसीबी मालिक सहित स्थानीय पुलिस पर भी कई प्रकार के गंभीर आरोप लगाए। आरोपियों की अगर जल्द से जल्द गिरफ्तारी नहीं होती है तो बलाई समाज द्वारा उग्र आंदोलन की चेतावनी दी गई है। तहलका इंडिया न्यूज के लिए महेश सोनगरा की रिपोर्ट। ठीक है सर, विशेष अनुरोध। हमारी समाज के एक मजदूर युवक जेसीबी चालक हैं, मनोहर पिता छोगा लाल जी। आज उनके पिताजी मेरे साथ में आए हुए छोगा लाल जी, और वहाँ पर सुनील यादव नामक जो मालिक है जिसके जेसीबी और डंपर चलते हैं, और वहाँ पर हमारे को ऐसी आशंका है कि उस बालक की हत्या की गई है, जिसको 302 की धारा को 304 में तब्दील कर दिया गया बाढ़ पचलाना पुलिस के द्वारा। उसको लेकर हमारी समाज में परिजनों में बहुत आक्रोश है। परिजनों के साथ आज मैं अखिल भारतीय भलाई महासंघ के नेतृत्व में सानिध्य में हम माननीय प्रमोद जी सोनकर, वैसे एसपी साहब से मिलने आए थे, एसपी साहब नहीं मिले तो माननीय एडिशनल एसपी प्रमोद जी सोनकर से मिले, और हमने सीबीआई जांच की मांग करी है। ऐसे तथ्य हमने बताए हैं जिससे यह प्रतीत होता है कि मनोहर की जो है मृत्यु नहीं हुई है, साधारण घटना दुर्घटना ही नहीं है, यह हत्या है। और ऐसे तथ्य हमने उनको दिए हैं कि जिससे जो डंपर है उसका अगला पहिया आधा सिर डैमेज हुआ है, जबकि उसका पूरा सिर डैमेज हो जाए। यदि एक घटना होती, दुर्घटना होती किसी चालक के द्वारा, तो जाहिर सी बात है पूरा सिर डैमेज हो जाता, पूरा चेहरा डैमेज हो जाता, बाकी ऐसा नहीं हुआ, केवल आधा सिर। अभी हाल हमने यही बोला है कि सीबीआई जांच की मांग की जाए। इसके अंदर हमने 5 आरोपियों के नाम बताए जिन पर हमें शंका है। सुनील यादव है, एक छोगा लाल है, और कुंदन है, कृष्णा है, और कुंदन है। ऐसे करके 5 आरोपियों के हमने नाम बताए। यदि पुलिस प्रशासन उनसे सख्ती से पूछताछ करेगा तो इस हत्या का खुलासा हो जाएगा। ऐसी हमारी मांग है कि सीबीआई जांच की मांग हो, अन्यथा पूरा भलाई समाज सड़क पर आकर उग्र आंदोलन करेगा। मेरा नाम मनोज परमार, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय भलाई महासंघ। और जिले के थाना भाट पचलाना अंतर्गत 12 मार्च को जो है थाने पर एक रिपोर्ट आई थी एक्सीडेंट की, और थाना भाट पचलाना ने उस पर जो है एक्सीडेंट का मुकदमा कायम किया था, और उसमें मृतक जो है मनोहर बलई नाम के व्यक्ति की डेथ हुई थी। उसी के पिताजी और परिजन और समर्थक और उनके समाज के अन्य जन लोग आज आए थे, और उन्होंने एसपी साहब के नाम पर एक ज्ञापन दिया है कि इस ये एक्सीडेंट नहीं, ये हत्या है, और हत्या में वो 5-7 लोगों पर शक कर रहे हैं, और उनके कुछ आधार हैं कि इन आधारों पर उनका कहना है, साथ ही साथ उनके ये कहना है कि इसकी सीबीआई जांच की जाए। मेरे द्वारा जो है उनका ज्ञापन लिया गया है और आश्वासन दिया गया है, और एडिशनल एसपी उस जो क्षेत्र के हैं जीटा 3 साहब, उनको ये भेजा जा रहा है, और जांच कर रिपोर्ट ली जाएगी, और उसके आधार पर उसके प्रकरण में वैधानिक कार्रवाई शीघ्र की जाएगी। वो जाँच का विषय है, यदि स्थानीय पुलिस में भी यदि किसी ने लापरवाही बरती होगी अपने काम के प्रति तो उस पर भी कार्रवाई होगी।